Hello dear students, welcome back. Today we will start our chapter number 2, National Symbols of India from General Knowledge Textbook. Students, आज हम start करेंगे chapter number 2, National Symbols of India. India के National Symbols की बात करेंगे. Number 1, National Flag. Our National Flag has 3 horizontal bands. स्टूडेंट्स, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स हैं. हॉरिजॉन्टल में ऐसे जो स्लिपिंग लाइन होती है ना, उन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल बैंड है 3. सेफ्रन बैंड इज द एट द टॉप वाइल द ग्रीन वन इज द एट द बॉटम. सबसे ऊपर जो है वो है सेफ्रन एंड बॉटम में ग्रीन कलर है. ठीक है, एंड द वाइट बैंड इज द मिडल एंड इट्स सेंटर इज द ब्लू अशोका चक्र. उसके सेंटर में ब्लू कलर का अशोका चक्र भी है. ऑल द 3 बैंड्स आर द इक्वल विथ. द फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इट्स लेंथ इज 1.5 टाइम इट्स ब्रेथ. स्टूडेंट्स, ये जो 3 कलर में डिवाइड है, 3 कलर कौन से हैं? सेफ्रन, वाइट एंड ग्रीन. सेफ्रन सबसे ऊपर है एंड ग्रीन बॉटम कलर है. व्हाइट कलर मिडल में है एंड जो मिडल में अशोका चक्र भी बना हुआ है जो ब्लू कलर का है. ठीक है, एंड उसकी जो ये जो अपना नेशनल फ्लैग है उसकी जो विड्थ है वो इक्वल है. विड्थ जो है वो इक्वल है. ठीक है, एंड उसकी जो लेंथ है, अगर हम उसके लेंथ की बात करें तो विड्थ का 1.5 है ब्रेथ. सॉरी, यस, विड्थ का 1.5 है. लेंथ जो है वो उसकी 1.5 है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए हम आगे नेक्स्ट वाला बात करते हैं. नेक्स्ट नंबर 2 पे है नेशनल एम्ब्लेम. नेशनल एम्ब्लेम की हम बात कर रहे हैं तो आपने इस तरीके का जो लॉयन का पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसा देखा होगा. कहाँ पे देखे हैं होगे पता है आपने? ये जो हमारे इंडियन की करेंसी है, इंडिया की करेंसी में जो सिक्के होते हैं कॉइन्स, कॉइन्स के पीछे से एम्ब्लम बना होता है. ठीक है, एंड ये जो नोट हैं, ठीक है, करेंसी के जो नोट हैं उसमें भी ऐसे एम्ब्लम आपको देखने को मिलेंगे. तो हम नेशनल एम्ब्लम के बारे में पढ़ेंगे. आर नेशनल एम्ब्लम कंसिस्ट ऑफ 4 लॉयंस फेसिंग द 4 डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे कि ये तो 4 डायरेक्शन में बोल रहे हैं एंड 4 लॉयंस से, बट हमें तो यहाँ पे ओनली 3 लॉयंस से दिख रहे हैं. तो 4 नंबर का लॉयन कहाँ है? स्टूडेंट्स, 4 नंबर का लॉयन है वो जो मैंने आपको यहाँ पे 2nd नंबर लिखा है उसकी बैक साइड है. ठीक है, जैसे 1st एंड 3rd नंबर ऑपोजिट में है तो 2nd एंड 4th नंबर ये भी ऐसे टोटल 4 हैं. एक लॉयन का जो फेस है वो बैक साइड है. क्लियर? But only 3 can be seen from the front. The emblem has been decided after the Ashoka pillar at Sarnath. Students, एक किंग अशोका थे, सारनाथ में उसके पिल्लर्स बने हुए हैं, उसमें से ये अशोका के पिल्लर में से ये एम्ब्लेम डिसाइड हुआ है. ठीक है, वहाँ से डिजाइन हुआ है. At the base of the emblem, there is a wheel with the 24 spokes. यहाँ पे देखिए, ये जो व्हील दिख रहा है ना उसमें टोटल 24 स्पोक्स हैं. ठीक है, जो लाइनें दिख रही है ना व्हील के अंदर वो 24 हैं. देयर इज अ हॉर्स ऑन द साइड एंड द बुलॉक ऑन द अदर साइड. एक साइड हॉर्स दिख रहा है, ये जो चक्र है उसकी एक साइड हॉर्स है एंड एक साइड बुलॉक है, ये दोनों भी दिख रहे हैं. ठीक है, आर नेशनल मोटो. तो हमारा नेशनल मोटो क्या है? सत्यमेव जयते. ठीक है, क्या है हमारा नेशनल मोटो? सत्यमेव जयते. इंग्लिश में कहेंगे ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स. ओके, इज रिटन इन द देवनागरी एट द बेस ऑफ द एम्ब्लेम. इट इज अ नेशनल मोटो ऑफ इंडिया. ये इंडिया का नेशनल मोटो है. ठीक है, याद रख लो, जयते इंडिया का नेशनल मोटो है. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए हम आगे हमारे नेक्स्ट सिंबल की बात कर रहे हैं. तो नेक्स्ट सिंबल है नेशनल एंथम. हमारी नेशनल एंथम जो हम स्कूल की प्रेयर में डेली जिसे हम बोलते हैं,
कौन सी है हमारी नेशनल एंथम? जन गण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया. इट इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. स्टूडेंट्स याद रखना, ठीक है, नेशनल एंथम को किसने कंपोज किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया. ओके, और हमारी नेशनल एंथम जन गण मन है, वो भी आपको याद रखनी है. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए हम आगे बात कर रहे हैं. तो आगे है हमारा नेशनल सॉन्ग. अभी बहुत बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, वो नेशनल एंथम में नेशनल सॉन्ग में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आप क्लियरली याद रखिएगा, ठीक है, हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम. ये भी हम प्रेयर में, स्कूल प्रेयर में गाते हैं ये गाना भी, ठीक है. वंदे मातरम इज आर नेशनल सॉन्ग. इट इज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. क्लियर स्टूडेंट्स? नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर और नेशनल एंथम है जन गण मन. नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम और जिसको कंपोज्ड किया है बंकिम चंद्र चटर्जी. क्लियर? नंबर फिफ्थ पे दिया हुआ है नेशनल एनिमल. हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर. ये तो आपको पता ही है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. टाइगर इज आर नेशनल एनिमल. एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल फ्लावर की. तो लोटस इज आर नेशनल फ्लावर. नंबर सेवन्थ पे हम बात कर रहे हैं हमारे नेशनल बर्ड की. तो नेशनल बर्ड है पिकॉक. पिकॉक इज आर नेशनल बर्ड. स्टूडेंट्स ये आपको क्लियरली समझ में आ गए सारे, और ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है. वैसे तो हमारा नेशनल फ्रूट भी है, नेशनल ट्री भी है, ठीक है, नेशनल गेम भी है, बहुत कुछ है, बट पहले आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है. चलिए अभी हमने जितना भी टेक्स्ट बुक के पढ़ा उसमें से हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. हमारी बुक में ये एक्सरसाइज दी हुई है जो हमें मैच करना है, ठीक है. तो सबसे पहले लिखा हुआ है नेशनल बर्ड. नेशनल बर्ड कौन सा है? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नेशनल बर्ड है पिकॉक. तो हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे पिकॉक, ठीक है. नेक्स्ट है नेशनल एनिमल. नेशनल एनिमल की बात करें तो हमारा नेशनल एनिमल है टाइगर. आंसर इज टाइगर. ओके स्टूडेंट्स, नंबर थर्ड पे है नेशनल एंथम. नेशनल एंथम हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले, जन गण मन, ठीक है. ये रहा जन गण मन, ये इसका आंसर है नंबर थर्ड का. नेशनल सॉन्ग. नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम. ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 में ये आंसर्स लिखिएगा. ओके, क्लियर?